shit. रुको और एक ट्राई, न्यूट्रल पे रख और फिर खटक से उठा। व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बाहर निकले हैं, लेट्स गो। आज हम लोग निकले हैं बाहर बहुत ही दिनों के बाद। मौसम तो एकदम बढ़िया है, मौसम और बाइक दोनों भी एकदम बढ़िया है, और उन दोनों को छोड़कर कुछ भी बढ़िया नहीं है। यहाँ पर है मेरा GoPro 360 जो कि गिरा था, उसको मैंने थोड़ा सा स्क्रैचेस निकालने की कोशिश की है और ट्राई कर रहा हूँ आज फर्स्ट टाइम शूट करने के लिए। बाइक और मौसम छोड़ के कुछ भी अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि पुणे इज़ गोइंग अंडर लॉकडाउन अगेन। कल से आज आखिरी दिन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल आखिरी दिन है, ट्यूसडे से लॉकडाउन है, और कुछ लोग बोल रहे हैं आज ही आखिरी दिन है। और आज आप लाइक इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो नॉन पुणे व्यूअर्स है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी भीड़ है आज। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो, अलग ही लेवल का चल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 2-3 दिनों में राइड होने वाली है, पर नहीं हो पाई क्योंकि पुणे के आसपास के जितने भी विलेजेस है वो सब कंटेनमेंट जोन्स है और उसके अंदर अपन जा नहीं सकते। इसलिए मैंने कोई भी राइड प्लान नहीं की, ना कि मेरे ग्रुप ने की है। सो आज आखिरी दिन है, इसके बाद 10 दिन लॉकडाउन होने वाला है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं आज जेएम रोड। जाने के बाद सब लोग मिलेंगे। लास्ट राइड हुई थी हमारी ऑलमोस्ट 27 जून के आसपास, उसके बाद आज हम सब लोग मिलने वाले हैं। मैंने GoPro सपोर्ट को तो कॉन्टैक्ट किया है पर कोई भी रिवर्ट आ नहीं रहा है वहाँ से। अरे यार, ये देखो पेट्रोल के लिए लाइन। यहाँ पे भी कुछ हुआ है अभी। आगे एकदम बढ़िया सी कार दिख रही है, जैगवार एफ टाइप। वाह, और फुल मूड में है बंदा। और ये एकॉर्ड वाला देखो, इडियट। साउंड्स अमेजिंग। और बारिश लग रही है थोड़ी थोड़ी। मौसम की तारीफ कर दी तो मौसम को हजम नहीं हुई बात। Shit. दो तीन मिनट की बारिश ने पूरा। चलो, ओ शिट। गियर पे चालू कर, हो जाएगा। चल सिग्नल लगने दे, निकलते
अरे नहीं 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 कुछ रिस्की नहीं। पैर ऊपर ले, पैर ऊपर ले, पैर ऊपर ले। चल खींच खींच। नहीं होता गियर से, इधर ट्राई कर दे। होता है रे, हर एक गियर का गाड़ी होता है। चलो पीछे ले, पैर ऊपर रख, पैर ऊपर रख। रुको और एक ट्राई, न्यूट्रल पे रख और फिर खटक से उठा। सब सोच रहे होंगे इतना महंगा गाड़ी है, बैटरी कैसे लो हो गया। एक्चुअली बैटरी लाइफ चली गई है, 3-3.5 साल हो गए हैं और चेंज करना ही पड़ता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आया है। नो वरीज। सो फाइनली अभी केपी से निकले हैं हम लोग और जा रहे हैं वापस। जैसा प्लान किया था वैसे लोग तो आए नहीं थे, इसलिए शाम को हम लोग वापस मिलने का प्लान कर रहे हैं। अगर शाम को मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, मेरे घर के पास ही है। One eternity later. So, अभी थोड़ा सा लेट हो गया है यार, बहुत अच्छा लोकेशन है पर सनसेट के पहले जाते तो बहुत अच्छा था। अभी पता नहीं सनसेट के पहले पहुंच पाएंगे या नहीं। सो नरेश भाई यहाँ पर आए हैं और बाकी दूसरे को ये तो आया नहीं है क्योंकि सब लोग बिजी है और जाते वक्त अगर लेट हो गया तो किसी को भी बारिश का प्रॉब्लम और पुलिस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सो इसी वजह से कोई आया नहीं है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो आपको पता नहीं होगा कि मैंने टैंक पैड्स लगाए हैं, टैंक पैड्स मैंने कल ही लगाए हैं। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है बट दोनों भी बहुत ही अच्छे लगे हैं, इट्स वेरी गुड। क्योंकि ये कस्टम कट करवाए हैं मैंने, दिस लाइन गोज़ अप टू हियर और यहाँ पर इसकी डिटेलिंग देखने के लिए मिल रही है, द शार्प डिज़ाइन ऑफ दिस। टेक्स पैक का एक टैंग्रिप आता है, वो है 7500 रुपीज़ का, वो बस इतना आता है। और मैं जब पैर रखता हूँ, आप वीडियो में भी देखोगे, मैं पैर रखता हूँ तो एट ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाता है। और जब मैं गेयर पहनूंगा, मेरे राइडिंग पैंट्स पहनूंगा तो वो थोड़ा ऊपर तक आएगा, इसलिए मैंने इतने ऐसे लगाए हैं। और बाकी तो सब बढ़िया है, अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। पर अभी लॉकडाउन होने वाला है, आपको मैंने सुबह बताया था, तो वही सब सीन है यार। इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद बाइक एकदम पूरा रेडी है, सर्विस हो गया है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट द लॉकडाउन। 10 दिन अभी गाड़ी बंद, पैडॉक पर रख दूंगा मैं। तो यही है वो लोकेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। नरेश भाई क्या बोल रहे हो? हाँ, आने वाला है वो प्रियंका, आने वाला यार। मेरे बैटरी डेड था यार, सेट यार, दोनों बैटरी डेड। अरे इधर जब सनसेट होता है ना प्रॉपर तब दिखता बहुत सही है, और उधर भी जा सकते हैं, बाइक लेके नहीं जा सकते, उतना ही प्रॉब्लम है बस। क्यों, कच्चा है क्या वो? हाँ कच्चा है और अलाउड भी नहीं रहेगा, जाता भी नहीं होगा, पता नहीं चढ़ रहे उधर से लोग। सो गाइस यही है वो लोकेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अभी तो बहुत लेट हो गया, इट्स गोना गेट डार्क नाउ,
बट जब यहाँ पर सनसेट होता है और वहाँ पर पीछे दिखता है, अभी भी क्लियर होता तो सनसेट परफेक्टली दिखता था, बट अभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और बारिश आने के चांसेस है, इसलिए बहुत ही डार्क लग रहा है। सो आई एम रियली सॉरी, बहुत लेट हो गया यार आज, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, अगर इस लोकेशन पर मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको आई मेक श्योर कि मैं उस ब्रिज पर भी जाऊँ, ये वाला ब्रिज, वहाँ पर जा सकते हैं, बाइक नहीं जा सकती वहाँ पर। और अभी अभी प्रियांक का फ़ोन आया था तो वो आ रहा है, आई होप बिना बारिश के आए वो यहाँ पर। क्लाउड्स तो बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पर अभी कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, प्रियांक का वेट करेंगे और थोड़ा आगे जाकर आने वाले हैं हम लोग। तब भी लेट आया था, तो और एक वीडियो में तेरा प्रूफ है हमारे पास। लेट आया था, मैं तो काम में बिजी था। प्रूफ है हमारे पास, हम लोग तेरे को गिरफ्तार कर सकते हैं बाइकिंग ग्रुप के अंदर। कर लो, मेरी बीवी को बता भी दो। चलो। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आ गया हूँ मैं मेरे घर के पास, बहुत ही अच्छा दिन था आज का, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींची है आज। बस थोड़ा जल्दी जाता तो और अच्छी फोटोज आ सकती थी, टाइम लैप्स भी अच्छा आ सकता था। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप कि कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी चला जाए यार, बोल के थक गए हैं अभी, बट सीरियसली जल्दी से जल्दी वैक्सीन आना चाहिए। मुंबई में तो हालत बहुत ही ख़राब है, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया। और जैसे कि आप सभी को पता है, अमिताभ बच्चन की फैमिली को भी हुआ है और दो तीन सेलिब्रिटीज़ को भी हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। Show up in a new but like whoa, blacked out but my outfit straight gold. Brought a blunt but I never really need that. Stevie got that treat, I know. Let me cop that leaf to roll, blow that then roll one more. I brought my clique, we got real lit, drank all that lick and found some more.